आप देख रहे हो फंडेक चैनल। आज मैं आपके लिए लाया हूँ छोटा सा इन्फॉर्मेशन अबाउट द ट्रेडर पैक सॉल्यूशन। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको जो है गूगल स्टोर जो है मतलब गूगल साइट जो ओपन करना पड़ेगा। उसके बाद जो है आपको यहाँ पर ट्रेडर पैक सॉल्यूशन जो है टाइप करना पड़ेगा, ड्राइवर पैक सॉल्यूशन, जैसे कि मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ ट्रेडर पैक सॉल्यूशन। तो यहाँ पर जो है इसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है इस तरह का पेज जो है खुलेगा। उसके बाद जो है हम इसे इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ पर जो है डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। मतलब ये ऑनलाइन में जो है ड्राइवर पैक सॉल्यूशन मतलब सारे ड्राइवर्स को जो है एक्सेस करके जो है आपको ड्राइवर इंस्टॉल कराता है। तो यहाँ पर मैं इसे खोल दूंगा। खोलने के बाद जो है मैं आपको बता दूंगा कि क्या ड्राइवर जो है अभी मुझे इंस्टॉल करना है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ईथरनेट कंट्रोलर अभी तक जो है मेरे सिस्टम पर जो है नहीं लगा है। तो मैं अभी इसे उसे इंस्टॉल करूँगा। सिर्फ आपको बताने के लिए मैंने जो है सीडी डी इंस्टॉल किया था। तो चलिए मैं अभी जो है रन देता हूँ। उसके बाद एक्सट्रैक्ट होगा। उसके बाद जो है आपको सारा जैसे कि हम यहाँ पर दिखा रहा हूँ उसी तरह का यहाँ पर जो है आपको सारा स्क्रीन पर जो है देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले जो है वो सारे डिटेल्स को जो है सिंक करेगा। सिंक करने के बाद जो है आपको सारा इन्फॉर्मेशन जो है बताएगा कि क्या क्या ड्राइवर जो है आपके इसमें नहीं है, मतलब आपके सिस्टम में जो है इंस्टॉल नहीं है। तो जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं ड्राइवर पैक सॉल्यूशन जो है स्टार्ट हो चुका है। और अभी थोड़ी ही देर में जो है सिंक्रनाइज करने का मतलब ड्राइवर को जो है आपका डेटा जो है कलेक्ट करेगा। कलेक्ट करने के बाद जो है आपको पता चल जाएगा कि मतलब आपका डेटा में जो है मतलब आपके ड्राइवर्स में जो है कौन से अपडेट करना है, कौन से इंस्टॉल करना है और कौन से जो है मतलब ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। और उसी के साथ यहाँ पर ड्राइवर पैक सॉल्यूशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है कि आपको छोटे से छोटे सॉफ्टवेयर भी जो है इंस्टॉल करने के लिए कहता है, क्योंकि आजकल डेली यूज़ में आपको वो सारे सॉफ्टवेयर जो है यूज़ होते हैं। तो इसलिए जो है ड्राइवर पैक सॉल्यूशन में वो ऑप्शन भी दिया गया है। तो चलिए अभी मैं जो है ये जैसे ही आपको स्क्रीन पर आता है तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें जो है क्या इंस्टॉल करना पड़ेगा और कैसे जो है इंस्टॉल करना है। तो ये लीजिएगा, यहाँ पर मुझे आ गया कि यहाँ पर दिखा रहा है कि ऑटोमेटिक कॉन्फिगरिंग ऑफ योर कंप्यूटर। तो मुझे ये क्लिक नहीं करना है, सिर्फ एक्सपोर्ट मोड में जाना है। जाने के बाद जो है मैं यहाँ पर अभी जो है डायरेक्टली सॉफ्टवेयर में जाऊँगा। सॉफ्टवेयर में जाने के बाद सब कुछ जो है अनटिक करूँगा, क्योंकि ये जो सॉफ्टवेयर है ये मुझे ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मैं इसे अनटिक करता हूँ, चलिए चार सॉफ्टवेयर भी अनटिक हो गया। और अब जो है मैं ड्राइवर पैक मतलब ड्राइवर्स की तरफ बढ़ूँगा। तो ये रहा वो इंस्टॉल मैनेजमेंट, ये सब जो है ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है लेकिन अपडेट करने के लिए पूछ रहा है, तो ये मुझे ज़रूरत नहीं है। अभी मुझे क्या चाहिए था ये भी मुझे ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सिर्फ मुझे ये इंस्टॉल करना है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इथरनेट कंट्रोलर नेटवर्क कार्ड इंस्टॉलेशन। तो ठीक है, मैं इसे ये दे दूँगा। देने के बाद जो है सारा जो है अनटिक में है। तो सिर्फ ये ड्राइवर जो है इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पर आप इंस्टॉल ऑल में जो क्लिक करेंगे तो वो जो है ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा, जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो ये सिर्फ ऑलमोस्ट 15 to 16 मिनट लेता है, लेकिन ये एक ड्राइवर रहने की वजह से यहाँ पर जो है बहुत जल्द होने वाला है और ये जल्दी से हो भी जाएगा मुझे ऐसा लगता है। लेकिन टेन टाइम्स जो है ड्राइवर ढूंढने के लिए बहुत टाइम लगता है, तो उसके लिए आपको थोड़ा बहुत वेट करना ही पड़ेगा। लेकिन ये बहुत ही आसान है, आप जैसे ही मतलब विंडोज़ इंस्टॉल करेंगे तो आपको जो है सिर्फ ड्राइवर पैक सॉल्यूशन जो है डाउनलोड करना पड़ेगा। डाउनलोड करने के बाद जो आपसे डायरेक्टली सिंक्रनाइज करने छोड़ेंगे तो आपको जो है सारे ड्राइवर्स के डिटेल्स जो है बता देगा, कौन से जो है आपको ड्राइवर्स इंस्टॉल करना है। बाद में आप जो है इसे इंस्टॉल ऑल दीजिएगा तो आपका ड्राइवर जो इंस्टॉल हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि नेटवर्क कार्ड ड्राइवर इज इंस्टॉलिंग, इसका मतलब यह हुआ कि अभी जो है मेरा ड्राइवर कार्ड जो है इंस्टॉल हो रहा है। तो यहाँ पर मैं इसे स्कैन टू रिफ्रेश मतलब स्कैन प्लग इन प्ले दूंगा तो वो जो है ऑटोमेटिकली आपको दिखा देगा कि यहाँ पर जो है इंस्टॉल हो चुका है इंटेल जिगाबाइट नेटवर्क कनेक्शन। तो ये जो है इंस्टॉल 100% हो गया। तो गैस आज तक के लिए इतना ही था। बस देखते रहे मेरे चैनल को ऑफन टेक, और गैस सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। टिल देन बी हैप्पी बी सेफ, और गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। लेकिन यहाँ पर जो है ड्राइवर इंस्टॉल हो चुका है, तो गाइस इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करने के लिए मैं कहूँगा कि अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। और भी ऐसे कई सॉफ्टवेयर हैं, अगर आप मेरे चैनल को इसी तरह लाइक करते रहेंगे और इसी तरह सब्सक्राइब करते रहेंगे तो मैं आपको सारा इन्फॉर्मेशन जो है बताने वाला हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप रॉकिंग।